एयरलाइंस के ऐसे राज जो आप नहीं जानते। 10 सीक्रेट्स ऑफ एयरलाइंस दैट यू डोंट नो। दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को ट्रैवल करना पसंद होता है, और इसी को देखते हुए आज इंसानों के लिए आवागमन के नए नए साधन बनाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी यात्रा तेज और आसान हो सके। मौजूदा दौर में हवाई मार्ग ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां से हम इंसान सबसे तेज ट्रैवल कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज की सवारी की होगी, लेकिन आप एयरलाइन के सारे रूल्स नहीं जानते होंगे। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एयरलाइंस के 10 ऐसे सीक्रेट रूल्स के बारे में जो आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। नंबर 10, फ्लाइट अटेंडेंट्स एंड मील्स। दोस्तों, जब भी आप किसी लंबे हवाई सफर पर जाते हैं, तब आपको एयरलाइन की तरफ से ही खाना उपलब्ध कराया जाता है, जो कि अक्सर फ्री होता है। लेकिन अगर आप किसी बजट एयरलाइन में सफर कर रहे होते हैं, तब आपको अपने खाने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। सामान्य तौर पर जब भी आपको किसी हवाई जहाज के अंदर खाना मिलता है, तब आपके पास खाने के लिए बहुत सी चॉइस होती है, जैसे कि सब्जियां, फल और मीट। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से बहुत से यात्रियों को उनकी पसंद का खाना नहीं मिल पाता, और उन्हें वही खाना पड़ता है जो फ्लाइट अटेंडेंट्स द्वारा उन्हें दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त फ्लाइट अटेंडेंट्स अपने हिसाब से खाना तैयार कर देती हैं। वेल, अगर आप चाहते हैं कि सफर के दौरान आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपके पास एक विकल्प होता है जिसकी मदद से आप अपनी फ्लाइट से कुछ समय पहले ही अपने पसंद का खाना बुक करा सकते हैं, जिससे कि फ्लाइट अटेंडेंट्स आपके पसंद का खाना तैयार रख सकें और आपको ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नंबर 9, ट्रे टेबल्स आर ओनली सुपरफिशियली क्लीन्ड। अगर आप सोचते हैं कि हवाई जहाज के अंदर का हर हिस्सा अच्छे से साफ होता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ही जल्दबाजी में साफ किया जाता है। उन हिस्सों में सबसे पहले आती है ट्रे टेबल्स, जो कि हर सीट के पीछे लगी रहती हैं और जिनके ऊपर हम अपना खाना खाते हैं। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ सालों पहले हवाई जहाज के केबिन में बैक्टीरिया के नंबर पर हुई एक स्टडी के ये सामने आया कि ट्रे टेबल्स हवाई जहाज की सबसे गंदी जगह है। इतना ही नहीं, ट्रे टेबल्स के ऊपर हवाई जहाज की टॉयलेट के फ्लश बटन पर मौजूद बैक्टीरिया से भी 8 गुना ज्यादा बैक्टीरिया है, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कम सफाई, क्योंकि अक्सर खाना खाने के बाद यात्री ट्रे टेबल्स को फोल्ड कर देते हैं, और जब सफाई कर्मी इसे साफ करने आते हैं, तब वो इसे ऊपर ऊपर से साफ कर देते हैं और ये अंदर से साफ नहीं हो पाती, जिस वजह से इसके ऊपर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हालांकि आज के कोरोना काल में ट्रे टेबल्स के ऊपर इन बैक्टीरिया का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस दौर में हवाई जहाज के हर कोने को बहुत ही ध्यान से साफ किया जाता है। नंबर 8, कम्युनिकेशन बिटवीन पायलट्स एंड फ्लाइट अटेंडेंट्स। क्या आप सभी जानते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट्स 10,000 फीट से कम की ऊंचाई पर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते? खैर, बात करना तो दूर, वो एक दूसरे से हेलो तक नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें इसके लिए परमिशन नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा रीजन है जो इन्हें एक दूसरे से बात करने से रोकता है। वेल, ये सब होता है सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि 10,000 फीट की ऊंचाई के पहले होने वाले टेक ऑफ, लैंडिंग और अन्य चीजों में पायलट्स को अपना 100% देना पड़ता है, और यहाँ पर उनका जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन मुसीबत पैदा कर सकता है, जिस वजह से वो फ्लाइट अटेंडेंट से तो दूर आपस में भी बहुत ही कम बात करते हैं। दोस्तों, इस दौरान उनकी बात सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ही होती है, क्योंकि इससे वो अपने डिवाइसेस का क्रॉस चेक करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कभी फ्लाइट अटेंडेंट से बात नहीं करते, क्योंकि अगर किसी तरह की इमरजेंसी आ जाती है, तब उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट से बात करनी ही होती है, वरना इसके अलावा उनका फोकस केवल प्लेन को सेफली उड़ाने पर ही होता है। नंबर 7, पायलट्स एंड मील्स। दोस्तों, इतना तो आप सभी जानते होंगे कि लोगों को हवाई जहाज में एक जैसा खाना ही मिलता है, और वही खाना हम यात्रियों समेत फ्लाइट अटेंडेंट्स को भी खाना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है, प्लेन में जो खाना हम और फ्लाइट अटेंडेंट्स खाते हैं, वो पायलट नहीं खा सकते, और उनके लिए अलग से खाना तैयार किया जाता है। और ऐसे इसलिए क्योंकि प्लेन के अंदर जंक फूड से लेकर हर तरह का खाना परोसा जाता है, जो कि लोगों को नुकसान भी कर सकता है। और ऐसे में अगर यही खाना पायलट्स को दे दिया जाए और इसे खाकर उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाए, तब ये प्लेन के सभी यात्रियों के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि इसके वजह से हो सकता है पायलट को प्लेन की लैंडिंग के समय टॉयलेट जाना पड़ जाए। नंबर 6, अपग्रेड फॉर डॉक्टर्स। दोस्तों, अगर आप पेशे से डॉक्टर हैं और हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हैं, तब आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि प्लेन के अंदर आपकी छोटी सी मदद भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आपके सफर की क्लास को अपग्रेड करा सकती है। वेल, बस आपको करना इतना होगा कि अगर कोई यात्री बीमार है या उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब आप उसका फ्री में इलाज करें और उसका ध्यान रखें, जिसकी वजह से आपको उस बीमार यात्री के साथ पूरे केबिन से अलग बिजनेस क्लास में पहुंचा दिया जाएगा, जिससे कि आप बिना किसी दिक्कत के उस बीमार यात्री की निगरानी कर सकेंगे। आज बहुत से लोग प्लेन के अंदर फ्री में वॉलंटियरिंग करते हैं, जिससे उन्हें प्लेन में फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलता है। नंबर 5, स्टीलिंग लाइफ जैकेट्स इज ऑफेंस। हवाई जहाज में यात्रा करने से पहले केबिन क्रू द्वारा हर यात्री को सेफ्टी मेजर्स बताए जाते हैं, जिससे कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, तब यात्री उन सेफ्टी मेजर्स की मदद से खुद को सुरक्षित कर सके। इन सेफ्टी मेजर्स से सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इस्तेमाल सिखाया जाता है, तो वो है लाइफ जैकेट।
क्योंकि अगर किसी इमरजेंसी के समय प्लेन को गलती से भी पानी के ऊपर लैंड कराना पड़ा तब आप उस लाइफ जैकेट को पहनकर मदद के लिए इंतजार कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि लोग इन लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल तो नहीं करते पर प्लेन से उतरते समय इन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जिस वजह से एयरलाइन को काफी घाटा झेलना पड़ता है। दोस्तों, इसी घाटे से बचने के लिए आज इसे एयरलाइंस के नियमों का उल्लंघन माना गया है और अगर आप ये लाइफ जैकेट चुराते हैं तब आपको एयरलाइन में सफर करने से बैन भी किया जा सकता है और कड़ी सजा भी दी जा सकती है। इसलिए अगर आप भी हवाई जहाज के अंदर से इसे घर ले जाने का मन बना रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। नंबर 4, फ्लाइट मोड। दोस्तों, आप सभी इतना तो जानते ही होंगे कि जब भी कोई यात्री हवाई जहाज में सफर करने जाता है तब हवाई जहाज में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स द्वारा उसके फोन को फ्लाइट मोड पर डलवा दिया जाता है और अगर उसके फोन में फ्लाइट मोड नहीं है तब उसे अपना फोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। पर क्या आप सभी को मालूम है, ज्यादातर फ्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट अपना फोन फ्लाइट मोड पर नहीं डालते। ज्यादातर मामलों में वो ऐसा करना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम होता है कि इससे प्लेन में कोई दिक्कत नहीं होती। आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मोबाइल फोन से उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एयरक्राफ्ट के सिस्टम पर कोई इफेक्ट डालती है। खैर, कई बार देखा गया है कि इनका प्रभाव एयरलाइंस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ग्राउंड नेटवर्क पर पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मोबाइल फोन को ऑन रखने से प्लेन क्रैश हो जाएगा। ये तो इसलिए बंद करा दिया जाता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से आप फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इसलिए जब भी हवाई जहाज का सफर करें तब कभी भी फोन के नेटवर्क चालू ना रखें। नंबर 3, फ्लाइंग विद पेट्स। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपने पालतू जानवर को हवाई जहाज से अपने साथ छुट्टियां मनाने ले जाते हैं। खैर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत से एयरलाइंस पालतू जानवरों के सफर के दौरान अच्छी देखरेख करते हैं। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि कई एयरलाइंस कितना भी सोच लें वो चाह कर भी इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे आपके पालतू जानवर को कई घंटों तक प्लेन के बाहर एक कंटेनर में रखना और अंदर पहुंचते ही उसे एक ऐसी जगह पर बंद कर देना जहां बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो। माना जाता है कि ऐसी जगहों पर जब जानवरों को लगेज के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता और जब वो घंटों तक ऐसे ही बंद रहते हैं तब उन्हें भयंकर दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और इसी वजह से कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। इसलिए आप जब भी अपने पालतू जानवर के साथ हवाई जहाज में जाने का प्लान बनाएं तब एक बार दोबारा जरूर सोचें। नंबर 2, सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि हवाई सफर के दौरान अगर आप किसी ऐसी यात्री की बगल वाली सीट पर बैठे हैं जो कि दिमाग से थोड़ा पागल और सनकी है तब उस समय आपका क्या हाल होगा? वेल, कई बार लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें इस दिक्कत से बचाने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट्स के पास एक ही चारा होता है, वो है शोर और झगड़ा करने वाले व्यक्ति के हाथ बांधकर उसे अलग कहीं बंद कर देना और ज्यादा शोर मचाने पर पास के किसी एयरपोर्ट पर उसे प्लेन से उतार देना। हालांकि ऐसा करने पर एयरलाइन को बहुत ही ज्यादा खर्चे का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से ज्यादातर एयरलाइंस ऐसा कुछ भी नहीं करते बल्कि वो परेशान हो रहे व्यक्ति की सीट बदल देती हैं और उसे कहीं और बैठा देती हैं। पर अगर प्लेन में कोई सीट खाली नहीं है तब स्टाफ द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि इस तरह का शोर सुनकर पायलट भी अपना कॉकपिट नहीं खोलते और प्लेन उड़ाते रहते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसी कोई असामान्य स्थिति पैदा हो रही हो तब किसी भी कीमत पर कॉकपिट नहीं खोलना है, फिर चाहे कोई क्रू मेंबर ही दरवाजा खोलने को क्यों ना कह रहा हो। नंबर 1, बीटिंग जेट लैग्स। आज के समय में हवाई जहाज का सफर करते वक्त बहुत से लोगों को जेट लैग का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अलग अलग टाइम जोन में पहुंचता है उसे खुद को उस टाइम जोन के मुताबिक ढालने में दिक्कत आती है और इसी दिक्कत से वो सो नहीं पाता और उसे जेट लैग नामक ये स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने सफर के दौरान इससे बचना चाहते हैं तब एक चीज है जो आपकी मदद कर सकती है, वो है पानी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की वजह से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और आप फ्रेश फील करेंगे जिससे आप इस डिसऑर्डर से बचे रहेंगे। और दोस्तों, याद रहे, पानी के अलावा आप प्लेन के सफर के दौरान और कुछ ना पिए क्योंकि अगर आपने कॉफी और अल्कोहल जैसे पदार्थ पिए तब आप और भी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे जिसकी वजह से आप जेट लैग्स का शिकार बन सकते हैं और कॉफी और शराब के साथ पानी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हाँ, अगर आपको अन्य कोई एयरलाइन सीक्रेट पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।